प्रिया मणि भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नाम है जो कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करते नजर आती। उन्होंने इंडस्ट्री को कई सक्सेसफुल फिल्में दी और कई शानदार वेब सीरीज में भी काम किया। हालांकि प्रिया मणि को कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं के ऑपोजिट में नहीं देखा गया। हाल ही में उनसे इस बार में सवाल भी किया गया, तो आइए जानते हैं प्रिया मणि ने आखिर इस पर अपनी ओर से क्या जवाब दिया। प्रिया मणि ने बताया उन्हें भी आश्चर्य हुआ है कि उन्हें ए लिस्टर्स के साथ क्यों नहीं काम करने को मिला। उन्हें लगता है सवाल का जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है, ये तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से पूछा जाना चाहिए। हालांकि प्रिया मणि इस बात पर जोर देती हैं कि उनके करियर के साथ चीज जिस तरह से चल रही है उससे वो खुश हैं। इसमें उतार चढ़ाव आए ऐसा भी समय था कि वो घर पर बैठकर यहाँ की संभव हो काम करने की कोशिश करती रही। अभिनेत्री ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट जवान में सहायक भूमिका भी निभाई। उन्हें मोहनलाल के कोर्टरूम ड्रामा नेहरू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया जो केरल में एक ब्लॉकबस्टर बन गई। उनकी फिल्म आर्टिकल 370 को भी कई खरीदार मिले। प्रिया मणि अपनी हालिया सफलता का श्रेय अमेज़न प्राइम वीडियो के द फैमिली मैन में अपनी भूमिका को देती हैं। अभिनेत्री के अनुसार इस शो में उन्हें दुनिया भर में अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद की। प्रिया मणि फिलहाल अपनी नई फिल्म मैदान के प्रचार में बिजी हैं जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को समीक्षकों से पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल चुकी है। निर्माताओं ने इस फिल्म को बनाने में खूब पैसे खर्च किए और इसे 100 करोड़ की लागत से बनाया गया। अब देखना यह होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। मैदान में प्रिया मणि अजय देवगन की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी और ये एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी फिल्म है जो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में साल 1952 से 1962 के बीच उस दौर को दिखाया जाएगा जिसे भारतीय फुटबॉल टीम का सुनहरा दौर कहा जाता है।